Hey guys, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस नए व्लॉग में। तो बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरी एग्जाम्स हो चुकी है ख़त्म और मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा हम लोग आज जा रहे हैं बाहर डिनर पे। तो वो इस जगह जा रहे हैं, साई पैलेस नाम की जगह है। लाइक वहाँ पे 525 रुपीज़ का बफे रहता है, वहाँ पे अनलिमिटेड फूड, जितना खाना है खाओ। मतलब शाम को 6 o'clock से चालू होता है रात के 11 बजे तक। डीजे रहता है, बहुत मस्ती करो, नाचते रहो, खाते रहो, जितना आपका मन। तो उस जगह जा रहा हूँ, सोचा नई जगह जा रहा एक्सप्लोर करूँगा तो आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो इसीलिए आज ब्लॉग बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना एंड शेयर जरूर करना है। अभी से रेगुलरली वीडियोस भी आते रहेंगे तो वो भी देखते रहना। एंड मौसम भी बहुत सही हो रहा है, अभी 2-3 दिनों से तो वही आंधी तूफान चल रहा था, अभी आज शांत एकदम, मतलब क्लियर वेदर, इतना कुछ है नहीं, एकदम मस्त। वो चलिए शुरू करते हैं। नो वे, तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए साई पैलेस में। अभी क्या है, मम्मी पापा थोड़ा फ़ोटो खींचेंगे और फिर अंदर एंट्री करते हैं। अभी थोड़ा 6:30 का है शायद से एंट्री, अभी 6:20 हो रहा है, तो 10 मिनट थोड़ा टाइम पास फिर अंदर जाते हैं। चलो देखो, अभी हम लोग एंटर हो गए। यहाँ पे मस्त ऐसा गाँव वाला फीलिंग आ रहा है एकदम। मज़ा आ रहा है ज़ॉम्बी से। सो गाइस अभी मैं थोड़ा गेम खेला, अभी टाइम पास करते, अभी लेते हम लोग अभी स्टैम्प हाथ पे और चलो पहले एंट्री करते, दिखाते क्या क्या है सब। तो मैंने आप लोगों ने नोटिस किया होगा नहीं, मैंने और पापा ने सेम पहना है टी शर्ट। ओहो पप्पा मोरिया, जल्दी इनका भी ब्लॉग आने वाला है। पप्पा का आगमन, अपने बेस्ट फ्रेंड का आगमन होने वाला है। इनका भी अपन लोग आगमन लेंगे, गणपति पप्पा का भी होने वाला, भी कुछ ही महीने, 2 या 3 महीने बाकी है, उनका आगमन होने वाला है तो भी अपन देखते हैं। बहुत सारे गणपति के आगमन का वीडियो आने वाला है। हमारे एरिया के जो गणपति सावरपाड़ा का राजा, उसको अपने गए साल बहुत सपोर्ट किया था, इस बार भी वैसे ही करना है और इस बार 50th ईयर है गाइस, बहुत ही मज़ा आने वाला है, देखना ज़रूर। यार ओवरऑल रिव्यू ना मेरा तो बहुत ही सही है, मतलब इतना अच्छा है आपका ना एटमोसफियर है ना, बहुत सही है, एकदम मस्त लग रहा है। अभी डीजे वीजे भी होगा यहाँ पे, देखो सब पीछे ऐसा लग रहा है बीच पार्टी पे आया हूँ मैं। ये जस्ट सामने ये डीजे का एरिया है, यहाँ पे सब डीजे वीजे होगा, सब लाइट वाइट लगा के रहता है। एंड देखो जैन फूड काउंटर भी है तो सबके लिए बेस्ट है। हाँ बट एक बैड न्यूज़ है नॉनवेज वालों के लिए, उनके लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, लाइक नॉनवेज फूड नहीं है, बाकी आज सिर्फ पूरा वेजिटेरियन है जगह, देख लो मस्त है, ऐसे तंबू वम्बू बांधा हुआ है, मस्त आइटम है। यहाँ पे मसाला छाछ है एंड फ्रूट्स भी है बहुत सारे, डेजर्ट्स भी है, वाह हलवा है एंड बहुत कुछ है, जैसे को नाम मिक्स वेज ब्लैक बीन सॉस, मैंने तो कभी नाम नहीं सुना, 7 चेबल फ्राइड राइस, ये है अपने नूडल्स, दाल खिचड़ी विद घी, भाई लटका के लगा वो मस्त, दाल तड़का है, स्टीम राइस है, यहाँ पे वेज सितारा और पनीर ढाबा, बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पे, सैलड एंड ऑल, अलग अलग टाइप के सैलड्स है, देखो ना पनीर पहाड़ी कबाब चीज़ पकौड़ा एंड कोई कोई अभी तक तो खुला नहीं है, बहुत मस्त है। ये डोसे का एरिया और मतलब सारे टाइप्स के डोसे मिलेंगे आपको, सादा मसाला पालक डोसा, चीज़ डोसा, चॉकलेट डोसा, मैसूर डोसा, सारे देखो सब टाइप्स है। एंड यहाँ पे वंस अगेन अचार एंड ऑल, चटनीज़ बहुत कुछ यार, मिली कबाब भी है यहाँ पे, मिलन तरकारी समथिंग, और ये है पनीर भुर्जी विद पाव, दम आलू पंजाबी, ये है वेज दम बिरयानी, वापस से दाल तड़का, वेज हक्का नूडल्स, वेज फ्राइड राइस, ये मंचूरियन विद ग्रेवी है, भाई सब जुकीनी डाल के रखी महंगे वाले सामान। एंड ये चाट का कॉर्नर है भाई, देखो सब शिवपुरी पानीपुरी भेलपुरी, ख़त्म नहीं हो रही, देखो ये सब चाट के 3-4 काउंटर है, कॉज सबसे ज़्यादा चाट पे ही मरते हैं, चाट पे ही सब्जी, देखो मैं बोल रहा हूँ इतने में मेरे मुँह ऊपर खा लूँ, और कैसा लग रहा है। पप्पा देखो पप्पा, ये दही क्या है, दही पूरी और शेव पूरी लेके मस्त एंजॉय कर रहे, देख लो कैसा लग रहा है आपको। आप एक ही चीज ऐसे क्यों करते हो, शर्मा गए। वैसे को भी मैंने शेव पूरी करने के लिए बोला है एंड अभी देखो कैसे बनती है, सभी तो वेल सिस्टमैटिक एकदम, लाइक अच्छा है।
मेरे में थोड़ा तीखा ज़्यादा करना, मीठा थोड़ा चढ़ाना। हेल्दी ऑप्शन भी है स्प्राउट्स का। तो ना इतने नजाक से मैंने स्वीट पूरी की, मतलब वैसे रेडी पे जाते ना तो अंकल सब फेंक के लेके ले ले लेना तो ले तो बाहर मिला। देखो मेरे पास बाहर गिर गया चम्मच। अच्छा हाजपून है, स्पून है। अभी हम खाएंगे सेव पूरी। नहीं नहीं ठीक है। बाहर बता ये बात ऐसा है ना कि मैं अभी मेरी प्लेट्स लेने जा रहा हूँ और मैं अभी अकेला तो प्लेट भी लूँगा और दिखाऊँगा, अभी तुम बहुत जमेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सारे सब सामान ले लेता हूँ मेरे प्लेट में और धीरे धीरे, और इतने सारे आइटम एक प्लेट में तो नहीं आएगा। हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई इंडियन आइटम जो पहले वो लेंगे, फिर चाइनीज़ आइटम एक प्लेट में ले लेंगे, अलग अलग ऐसे धीरे धीरे करके सब कवर करके आपको दिखाऊंगा। टेंशन की बात नहीं है और वीडियो थोड़ा बड़ा भी बन सकता है, लोग देख लो यार, आप लोग भी आ सकते हो। साइड मेरे एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में है एंड सब अभी देखो, क्योंकि मेरे पास तो खाने में लग गया और मैं अभी अकेला ही घूम रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को भी प्लेट लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो लोग तो मेरे लिए रुके नहीं, क्योंकि वो बोले तो वीडियो बनाते रहे हम लोग को भूख लगे। ठीक है चलेगा, अभी मैं ले लेता हूँ, फिर एक बार मैं पूरा आपको सजा के दिखा। चलो मिलते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने फर्स्ट राउंड में देखो, ये है वेज मंचूरियन शायद से कुछ और निकलता कोई याद नहीं आ रहा है, ये है वेज क्रिस्पी एंड ये है चिली वाली कबाब जैसे आपको दिखाता है, एंड ये है पास्ता सैलड, मतलब इसमें सैलड थे कड़ी ककड़ी वो सब थे, वो सब मैंने हटा से पास्ता पास्ता ले लिया। एंड ये तीन टाइप की चटनी देखो, पुदीने की, केचप और एक शेजवान चटनी। सो लेट्स ट्राई, आपको बता दें कैसा है। पहले अपन देखते हैं चिली वाली कबाब की चटनी, पापा बोले खाते खाते थक जाएंगे। सही बात है, अभी है इसकी वेज क्रिस्पी शेजवान चटनी। वेदर भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है, अभी अच्छा है, अभी अच्छा अभी है ये वेज बॉल, इसका नाम याद है, बहुत सॉफ्ट है यार, लहसुन एकदम गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा है। बोला था ना चाट पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगा, देखो और काउंटर देखो और चाट एंड पानी पूरी का काउंटर देखो, यही होता है भाई इंडियंस के साथ, इसके लिए दिमाग लगाया है। आवाज नहीं आएगा बट लेट्स ट्राई सम डेजर्ट्स, तो चलिए देखते कैसा है, मैं लिख के दिखाता हूँ डायरेक्ट आपको। सो गाइस ये देखो अपने पास डेजर्ट्स में, देखो ये है पुडिंग, ये है छोटी छोटी पेस्ट्रीज, ये देखो चम्मच जितनी है, ये है मालपुआ और ये हलवा है, जलेबी थी वो मैं नहीं खाता हूँ जलेबी, नो ऑफेंस बट इसके लिए नहीं लिया। अभी पेस्ट्री बहुत स्मूथ है कटिंग, ब्लैक फॉरेस्ट पुडिंग में फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, क्रीम जैसा वो तो नहीं है, वो क्रीम के अंदर है ना केक का वो मिला लिया, अच्छा बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा, मतलब मैं बस आइसक्रीम जैसा अच्छा कैरेमल सॉस के उसके ऊपर। डीजे में नाच भी सकते हैं आप, बहुत अच्छा डीजे है, अभी हम लोग घूमेंगे। मैं तो नहीं नाचूंगा, आया तो बचाया, बोले खाओ बचाओ, हाँ खाओ नाचो फिर से खाओ, 11 बजे तक जितना आना खाओ, जब अनलिमिटेड है। अभी हलवा देखते हैं, बनाना हलवा अच्छा, बनाना हलवा है बनाना, वही तो क्योंकि आप लेवर आ रहे हैं बनाने के हिसाब से दीजिए, ठीक है बनाना है तो दीजिए। मैं हलवा टूट के खा रहा हूँ, जब केले का आएगा तो देखिए, अच्छा वो दिखाते अच्छा, माई पुआ मैं नहीं खाऊँगा मम्मी का ही, बहुत अच्छा बोले तुमने, मैं माई पुआ नहीं खाता, बहुत मीठा लगता है मुझे, ऐसा लगा शादी में आए और चले सके घूमने, अभी गणपति के ब्लॉग भी आएंगे ना भाई, जो अपने फेवरेट होते हैं, मेरे को लगता है गणपति के ब्लॉग भी फेवरेट होते हैं, क्योंकि मेरे ऐसा लगता है कि मेरे दिन है वो,
अपने बेस्ट फ्रेंड है यार गणपति अप्पा। अभी आपको और आगे चीज़ बताओ। हाँ शादी में अगर बहुत दिन से शादी में नहीं गए हो ना तो यहाँ पे आ जाना। वैसे भी शादी में आप लोग जाके अगर एन बल्ब दोगे तो 500 डालोगे, 500 डालोगे तो कितना खाने का। शादी में ज़्यादा ही वैराइटी है, डांस भी जो करना करो सब अनलिमिटेड ऊपर जाए। मैंने सोच लिया कि बाहर जाना तो यहाँ आऊँगा। हाँ पर पर्सन से 525 रुपीज़ है यहाँ पे, 5-6 घंटे पाओ जितना मन है ना। हाँ अरे कल से खाना भी नहीं खाया मैंने, इधर आके ढूंढने आ रहा था। ओनली फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को ही रहता है बुफे, एंड लोग बहुत सारे पार्टीज भी लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छी जगह मीरा रोड में, मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डालूँ। ना मैं तो खा खा के थोड़ा थक जाए, थोड़ा भी थक जाते ना। तो अभी मेरे जो दो गेम्स बचे थे ना, मैं सोच रहा हूँ वो थोड़े खेल लेता हूँ, थोड़ा टाइम पास करता हूँ इधर उधर, एंड वापस खाते। क्योंकि ये जगह ऐसे ना खाते रहो, ऐसे ना मेरे जैसे लोगों की जगह है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड देखो खा के मैं तो थोड़ा थक गया था, तो मैं सोचा मेरी जो बाकी गेम्स बची है यहाँ पे तो मैं खेल लेता हूँ एंड देखते हैं। क्योंकि इधर ऐसा ना, तुम 5 घंटे तुम्हारे पास, तुम जो करने करो, खाओ खेलो जो करने करो, मतलब टाइम पास करो, खाते रहो बस। तो मेरा भी वही है, अभी मैं थोड़ा वॉक कर रहा हूँ, थोड़ा गेम खेलूँगा, टाइम पास करूँगा एंड फिर टूटूंगा। अभी तो स्टार्टर में इतना पेट भर गया ना, अभी मेन कोर्स तो बाकी है भाई। एंड देखो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट, इतनी पब्लिक खिंचा रही है, अभी धीरे धीरे ना पब्लिक और बढ़ेगी तो हमें भी मजा आएगा एंड आपको भी कर रहे। चलो फिलहाल एक गेम खेलते, मशीनी वाली ना मॉल में भी होती है डूबने का। चलो देखते अभी ये हम से चलाएंगे ऐसे। मेरे को चाहिए ना यार, मेरे लगे नहीं सब ले लिया तो खेल लेते हैं अभी। चलो बॉल ही देखते हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर मिल जाए तो, अपने फ्रेंड को मिनियंस वाले हैं यहाँ पे। अगर मेरे नसीब अच्छा हो यहाँ से देखो थोड़ा सा यहाँ खींचता हूँ मैं यार, आ जाना चाहिए बस। जय श्री राम। प्लीज 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 और एक शिट आके गिर गया वापस। एक ट्राई लास्ट है, ये करूँगा मैं ट्राई, ये डाल दिया मैंने, एडजस्ट करना है एडजस्ट। यहाँ से देखो थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, गणपति बप्पा मोर जाओ। बहुत नसीब वाला होता है जिनके इसमें आता है। चलो अपने नसीब में निकाले, लेकिन वैसे बहुत दौड़ते हैं, कोई कोई भी निकाल लेते अपने भाई के साथ खेलो। इससे थोड़े बच्चे वाले हो गए बट थोड़ा मज़ा भी आया कि चलिए थोड़ा वापस से जाते खाने के लिए। एंड यार पब्लिक तो बहुत सारी हो गई है एंड सुपर ब्लॉक, पब्लिक दूर के देखती है, इतना वियर्ड सा लगता है ना ब्रो मेरे को। एंड आई न्यू इट, ये 100% सारे ब्लॉगर्स से रहता होगा। अभी जैसे देखो मैं पब्लिक में चल रहा हूँ ना, ऐसा मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं ब्लॉग करते करते पब्लिक ऐसे घूरेगी ना, कोई कोई लोग अच्छे होते हैं, वो लोग देख के सपोर्ट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं भाई। पिछले से दूर देखिए मैंने कुछ गुनाह कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए रे, बट तो अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को ना पब्लिक का यही रिएक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं इसमें मज़े लेते रहे, तो मेरे को मज़ा भी आता है। तो यही देखते आगे गए, पब्लिक एंजॉय कर रही है, डीजे में खड़े होकर नाच भी रही है एंड आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। फुल मजे भाई, फुल मजे। हेलो नॉट इंटरेस्टेड, मम्मी का मन से टाइम पास हो रहा है यहाँ पे। डीआईडी डांस इंडिया डांस हो
आलू, ये है वेज तरकारी, ये आई थिंक सो राजमा है शायद से, मिक्स वेज राजमा, और ये पनीर की सब्जी है। एंड उसके साथ मैंने लिया है यहाँ पे रोटी और ये नान लिया है। ये है अभी भाजी का मेन कोर्स बोल सकते हैं, इंडियन मेन कोर्स। इसको ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं। एंड हाँ, अभी इतने सारे वेराइटीज अभी बाकी है ना। एंड एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हम लोग यहाँ बैठे ना, यहाँ पे पीछे साइड में वहाँ गज़ल भी चल रही है, सो आप 50 rupees आपको वहाँ देना है, आपकी मनपसंद गज़ल भी सुन सकते हो। लाइव कॉन्सर्ट यार, अमेजिंग। मतलब अभी सीन ऐसा है ना कि मेरा पेट तो हो गया भरा, और अभी भी चाइनीज़ बाकी है एंड बिरयानी वो सब बाकी है। तो मैं सोच रहा हूँ एक ही प्लेट में ना इतने इतने से दाने ले लूँ आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पेट में अब जाएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद भी आइसक्रीम फालूदा भी बाकी है, तो सब एक साथ नहीं खा पाऊँगा मैं इतना, तो थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा। एंड चलो लेते और आपको बताता हूँ। और यहाँ पे बॉय सब बहुत है, और जब मैं आया था तभी पब्लिक कितनी कम थी, एंड अभी देखो पीछे से पूरा खचा खच भरा हुआ है ना। अगर देखा ना तो 500 to 600 लाइक पीपल्स तो होंगे, या तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक लॉन भरा है, ऐसे और 3 लॉन जो पूरे भरे हुए हैं। देखते अभी क्या है। ये है मेरी लास्ट थाली, इसके बाद मैं सब आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या अब नहीं खाया। तो ये है मनचाओ सूप, इसमें थोड़ा सा ये डाल लेते हैं। एंड ये है वेज दम बिरयानी, ये है वेज फ्राइड राइस, ये है वेज शिविल हक्का नूडल्स, ये है शिविल फ्राइड राइस, इधर है ये देखो, ये वाला और ये वाला, दो फ्राइड राइस अलग अलग है देखो। एंड ये जो है वेज क्रिस्पी जो मुझे बहुत पसंद है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा पिज़्ज़ा स्लाइस है। अब सब मेरी तरफ से जो लास्ट चीज़ है ना आइसक्रीम है वेनिला स्ट्रॉबेरी वाली, और ये है फालूदा। लास्ट जो मैं खाऊंगा अभी, बाकी आपको वो दिखाता हूँ जो अभी तक मैंने नहीं खाया, तो चलो ट्राई कर देते हो, इतना मस्त है, वाह। कुछ ट्राई एंड टेस्टेड सब खत्म हो गया खा पी के, एंड अभी मैं जा रहा हूँ घर पे मम्मी और डैड के साथ। इतना थक गया हो ना, आपको बस बताना चाह रहा था, इधर आओगे ना फुल टाइम लेके आना, बहुत मस्ती मजे, इतना मज़ा आया ना मेरे को आज। ऊपर से आज फादर्स डे भी है, तो मेरे पापा को तो हैप्पी फादर्स डे विश, और दुनिया के जितने भी पापा लोग हैं उन सबको भी विश कर देता हूँ मैं हैप्पी फादर्स डे। एंड आज इसके साथ ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। देखो यहाँ पे इतना मस्त ग्राउंड है ना, खाओ चलो बचाओ फिर से खाओ, ऐसा बस घूमते रहो। मेरे पापा भी पीछे राउंड मार रहे, फिर अभी हम लोग निकल रहे हैं। जो कार पार्किंग हो सकता, एकदम अच्छी फैसिलिटी है पीछे, एंड एटमॉस्फेयर इतना अच्छा ना, एकदम ऐसा क्लासी। अच्छा अभी मुझे नींद भी बहुत आ रही है, यहाँ पे वीडियो को एंड कर दो मैं, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना कैसा लगा, एंड आगे भी देखते रहना। देखो गाइज, मैं आपको सब तो नहीं बता पाया, तो आप यहाँ ही देख लो कि क्या क्या मेन्यू में था। देखो इस साइड इतना सब चीज़ें बोला, आदमी खाएगा तो कैसे पेट नहीं भरेगा यार। मैंने इनमें से अगर आधी भी चीज़ इतनी इतनी खाई होगी ना तो पेट भर जाएगा। तो आप देख लो इतनी सारी सब चीज़ें थी, एंड आपको भी आना हो तो आ जाना, एड्रेस यहीं कहीं होगा, नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। चलिए बाय। एंड हाँ, गणपति के ब्लॉग्स आने वाले से ज़रूर देखना।